चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट, 315 रुपए प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड रेट तय। कैबिनेट ने यूरिया सब्सिडी के लिए 3.68 लाख करोड़ का ऐलान भी किया। कांग्रेस का आरोप, प्रीडेटर ड्रोन डील राफेल से बड़ा घोटाला। पवन खेरा बोले, एक ड्रोन 812 करोड़ का, DRDO 20% कीमत पर बना सकता है। खुशखबरी, मदर डेयरी ने घटाया धारा तेल के दाम, अब 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा खाद्य तेल। महंगाई की मार, दोहरे शतक के करीब पहुंचा टमाटर, 320 रुपए में 1 किलो मिल रहा अदरक, आसमान पर पहुंचे हरी सब्जियों के दाम। चीन का ही जैविक हथियार था कोरोना, वुहान के रिसर्चर का बड़ा खुलासा, 4 तरह के वायरस से दुनिया को तबाह करने का था प्लान। मोदी सरकार में फसलों की MSP 58% तक बढ़ी, गोयल बोले न्यूनतम समर्थन मूल्य में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी। जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का डोर टू डोर अभियान शुरू, नेता बोले अब MP से विदा हो जाएगी 50% की सरकार। केदारनाथ धाम में रील्स बनाने वालों पर प्रशासन की नजर, पवित्रता बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर PM के बयान पर मुस्लिम नेताओं ने किया विरोध, बोले हम संविधान को बर्बाद नहीं होने देंगे। ड्रोन खोजी कुत्तों और हवाई सर्वे से होगी अमरनाथ यात्रा की निगरानी, अमित शाह ने तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश में CM कैबिनेट ने गारंटी पेंशन योजना को दी मंजूरी, 10,000 संविदा कर्मियों को किया जाएगा नियमित। देश और परिवार अलग अलग, समान नागरिक संहिता पर पी चिदम्बरम बोले इसे थोपा नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने सीखा बाइक रिपेयर करना, अचानक पहुंचे दिल्ली के करोल बाग, कांग्रेस ने कहा जननायक। पेट्रोल और डीजल के दाम में जल्दी हो सकती है कटौती, तेल कंपनियों का घाटा पूरा होने के करीब। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के वर्सोवा वांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु रखा। टमाटर की कीमतों में मिलेगी राहत, 68 रुपये प्रति किलो में बेचेगी तमिलनाडु सरकार। जम्मू में खंभों पर अवैध प्रचार का खेल खत्म, होर्डिंग बैनर के लिए लेनी होगी मंजूरी, निर्धारित स्थान पर ही लगेंगे विज्ञापन। अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर बने PM आवास की चाबी सौंपेंगे CM योगी, 1,000 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। प्रदूषण वाले जनरेटर को चलाना तो दूर, बेचना भी होगा संभव, निर्माताओं के लिए 30 जून की डेडलाइन हुई तय। मदरसों में हो रही पढ़ाई की होगी जांच, CM शिवराज ने कहा हर शैक्षणिक संस्थानों पर रखे नजर। राष्ट्रपति ने 84 सैन्य अधिकारियों को विशिष्ट सेवा पदक से किया सम्मानित, PM मोदी भी समारोह में हुए शामिल। पंजाब में सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, 1 जुलाई के बाद लगेगी 3,000 का जुर्माना। झारखंड में आने वाले दिनों में बांग्लादेश से हो सकती है बड़ी घुसपैठ, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जल्द ही होंगे 8.2 करोड़ रुपए जारी, गर्भवती महिलाओं का जीवन होगा आसान। अखिलेश, मायावती और नीतीश जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे मैं भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो जाऊंगा, OP राजभर। गूगल पे यूजर्स के लिए खुशखबरी, UPI एक्टिवेट करने के लिए अब नहीं चाहिए होगा डेबिट कार्ड, आधार ही होगा काफी। हिमाचल में बारिश से अब तक 103 करोड़ का नुकसान, राज्य को केंद्र से नहीं मिला आपदा राहत फंड। हरियाणा BJP कमीशन 2024, CM खट्टर नापेंगे 22 जिले और 90 विधानसभा, प्रभारी बिप्लव देव भी करेंगे प्रदेश भ्रमण। सिंधिया बोले 5 वर्षों में भारत में होंगे 200 एयरपोर्ट, 1400 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर भी देगी कंपनियां। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, नीतीश सरकार कन्फ्यूज, अब तक शिक्षक नियमावली में किए गए 10 संशोधन। यूनिफॉर्म सिविल कोड मसले पर BJP को मिला आम आदमी पार्टी का समर्थन, कहा भारत का संविधान भी इसके पक्ष में। तेजस्वी बोले विपक्षी एकता को देख डर गई BJP, 2024 के पहले सता रहा है हार का डर, कर्नाटक से हो गई है शुरुआत। SC ST के साथ OBC अल्पसंख्यकों को साधने कांग्रेस ने बनाई रणनीति, आरक्षित 82 सीटों पर कमलनाथ का फोकस। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जाएगी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता, वर्ल्ड बैंक ने मंजूर की 2460 करोड़ रुपए की राशि। भारत में पहली बार मलेरिया के वायरस में मिला नया म्यूटेशन, 53 नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग से हुआ खुलासा। राम मंदिर के उद्घाटन पर देश के सभी बड़े मंदिरों में होंगे भव्य कार्यक्रम, विहिप ने की तैयारी। दिल्ली के लोगों और चुनी हुई सरकार के लिए संवैधानिक धोखाधड़ी है यह अध्यादेश, केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, 2000 किलोमीटर रेंज, एक साथ कई टारगेट को तबाह कर सकती है। मोदी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, कैबिनेट की मंजूरी के बिना पास होंगे 2000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट।
पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों पर एस जयशंकर की दो टूक, बोले सीमा पार आतंकवाद हो बंद तभी बातचीत संभव। दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन और लाइब्रेरी, अतिक्रमण से बचाने के लिए लिया बड़ा फैसला। स्मार्ट पीडीएस से दुरुस्त होगी राशन वितरण प्रणाली, बिहार के 1.5 करोड़ लोगों को होगा लाभ। अमरनाथ यात्रा के 40 किलोमीटर हाईवे की सुरक्षा को 4 हिस्सों में बांटा, सीआईएसएफ की 4 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, नैनीताल से हटेंगे पैडल रिक्शा, अब दौड़ेंगे ई रिक्शा। जुआ और सट्टा के खिलाफ सख्त छत्तीसगढ़ सरकार, विज्ञापन प्रसारित न करने के लिए एडवाइजरी जारी। सेना पर टिप्पणी को लेकर महबूबा मुफ्ती की बड़ी मुसीबतें, सामाजिक कार्यकर्ता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। खुशखबरी, रेलवे स्टेशनों पर अब ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार का मौका, नियमों में किया गया बदलाव। राजस्थान में 50,000 प्रेरकों के जरिए सीएम गहलोत की छवि चमकाने का प्लान, बीजेपी बोली धन का दुरुपयोग कर रहे सीएम। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले अवैसी अंग्रेजों और कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस बढ़ेगी तो सिमटेगी क्षेत्रीय दल, देश भर में एकता का हल्ला पर एकजुटता दिखी नहीं रही। अब 5 किलो चावल के बदले में पैसे देगी कर्नाटक सरकार, परिवार को मिलेगी 34 रुपये प्रति किलो की दर से राशि। पीएम मोदी के बयान पर भड़के ओवैसी, तो भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा वे संविधान नहीं सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। उत्तराखंड में सेब और कीवी मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने कसी कमर, रोपे गए 14 लाख से ज्यादा पौधे। मध्य प्रदेश में अब 7 जुलाई तक होंगे तबादले, सीएम ने ट्रांसफर की अवधि बढ़ाई, खुलेंगे 6 नए मेडिकल कॉलेज। भारत से थाईलैंड हाईवे का 70% काम पूरा, मोदी सरकार की एक्स ईस्ट पॉलिसी का असर, चीन को मिलेगा बड़ा झटका। कप सिरप क्वालिटी कंट्रोल नियम से निर्यात प्रभावित होने की आशंका, सर्टिफिकेट लेने के लिए करना पड़ेगा इंतजार। आवारा कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, नया कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। राजस्थान में 25 साल नौकरी करने वालों को मिलेगी पूरी पेंशन, जुलाई से होंगे नए नियम लागू। जम्मू कश्मीर में जिनके पास जमीन नहीं उन्हें घर बनाने के लिए जमीन देगी सरकार, एलजी मनोज सिन्हा ने की बड़ी घोषणा। केसीआर भाजपा की गुपचुप दोस्ती पर हमलावर रहेगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तेलंगाना बदलाव के लिए बेचैन। 17 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, इस बार भी जबरदस्त हंगामे के आसार। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो महंगाई के मार दोहरे शतक के करीब पहुंचा टमाटर, 320 रुपये में 1 किलो मिल रहा अदरक, आसमान पर पहुंची हरी सब्जियों के दाम। जी हाँ, टमाटर की कीमत अपने कलर सुर्ख लाल की तरह हो गया है, ग्राहक दुकान पर टमाटर का रेट पूछते ही लाल हो जा रहा है। टमाटर की कीमत फुटकर मार्केट में 160 रुपये से 180 रुपए किलो तक पहुंच गया था। टमाटर खरीदने आने वाले लोग रेट सुनकर ही वापस हो जा रहे थे, जो लोग टमाटर खरीदना भी चाहते थे वो 100 ग्राम लेकर जा रहे हैं। सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी सब्जियां हैं सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। चाहे मैं अपना अलग रंग जमाने वाला अदरक भी 320 रुपए किलो पहुंच गया है। तो करारी भिंडी 60 रुपए किलो बिक रही है, परवल 80, शिमला मिर्च 80, करेला 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं आलू 20 से 25 रुपए और प्याज 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के कारण उनकी बिक्री आधी से भी कम हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आवारा कुत्तों के आतंक पर लगेगी लगाम, नया कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हां, केंद्र सरकार जल्द ही आवारा कुत्तों की समस्या पर एक कानून बनाएगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसकी जानकारी दी। देश के विभिन्न हिस्सों से आवारा कुत्तों से संबंधित घटनाओं और कुछ राज्यों द्वारा हाल ही में संशोधित पशु जन्म नियंत्रण नियमों के विरोध के बारे में पूछे जाने पर रूपाला ने कहा है कि एक विधेयक तैयार है, हम इसे मंजूरी मिलने के बाद इसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से हम राज्य और स्थानीय निकायों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सुझाव दिया है कि वर्तमान कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, हम हितधारकों के साथ काम कर रहे हैं। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का बड़ा गिफ्ट, 315 रुपए प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड रेट तय किया गया। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा गिफ्ट दे दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2023-24 के लिए गन्ना के लिए 315 रुपए प्रति क्विंटल का रेट तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा है कि कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 के लिए गन्ना की कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों के साथ साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में 5 लाख श्रमिकों को लाभ होगा। पिछले सीजन में गन्ने का न्यूनतम मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल था। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा अन्नदाता के साथ हैं, सरकार हमेशा कृषि और किसानों को प्राथमिकता देती रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं, सरकार की ओर से लोगों को बड़ी राहत। जी हां, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब बिना आधार पंजीकरण किए ही रजिस्ट्रार जनरल से आप पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है। दरअसल सरकार की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने RGI के कार्यालय में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बर्थ एंड डेट एक्ट 1969 के तहत यूजर को अब सिर्फ हाँ या ना में यह चुनना होगा कि वह आधार से सत्यापन कराना चाहते हैं या नहीं। हाँ की अनुमति देने पर संबंधित सभी जानकारी आधार के डेटाबेस से सत्यापित की जाएगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।